नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। उत्तर प्रदेश की मशहूर कवियत्री अनामिका जैन अंबर को सोनपुर मेले में काव्य पाठ करने से रोके जाने का मामला आपको बताया अब तूल पकड़ते दिख रहा है। दरअसल सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार पर और बिहार सरकार पर बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं। दरअसल सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सीएम नीतीश तानाशाह बन चुके और बिहार में तानाशाही फैल रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सोनपुर मेला में आमंत्रित कवयित्री अनामिका जैन अंबर को काव्य पाठ से रोककर नीतीश सरकार ने दिनकर की धरती पर हिंदी कविता, स्त्री और अभिव्यक्ति की आजादी का जैसा तिहरा अपमान किया है, इस घटना का कलंक धोने के लिए भाजपा जल्द ही अनामिका अंबर के काव्य पाठ का आयोजन करने के लिए उन्हें सम्मानित करेगी। उन्होंने कहा कि अनामिका ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों, देश विरोधी ताकतों और हर तरह के माफिया पर कानून के शासन का बुलडोजर चलाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति जनभावना को वाणी देने वाले कुछ गीत लिखे जिसे नीतीश कुमार का अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सका। 22 करोड़ की आबादी वाले बड़े राज्य यूपी में योगी कुशल शासन देकर दूसरी बार पूर्व बहुमत से सत्ता में लौटे हैं। ऐसे निर्वाचित मुख्यमंत्री के सम्मान में कविता लिखना क्या अपराध है? योगी की लोकप्रियता से नीतीश कुमार डर गए हैं। आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने जनकवि नागार्जुन को जेल में डाला था। उसी कांग्रेस से हाथ मिलाने वाले नीतीश लालू की सत्ता आज युवा कवित्री को मंच से उतार रही है। मशहूर कवित्री अनामिका जैन अंबर को सोनपुर मेले में काव्य पाठ से रोके जाने का मामला में आपको बताया कि जिला प्रशासन का दावा है कि उन्हें कवित्री के कार्यक्रम की पूर्व सूचना नहीं थी। हालांकि प्रशासन के दाव की पोल कार्यक्रम के एक कार्ड ने खोल दी। वहीं कवित्री ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर यह आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उन्हें मंच पर चढ़ने से रोक दिया था। इस कारण अन्य कवियों ने भी कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। आपको बताया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सोनपुर मेले में आमंत्रित कवित्री अनामिका अंबर को काव्य पाठ से रोक कर नीतीश सरकार ने दिनकर की धरती पर हिंदी कविता, स्त्री और अभिव्यक्ति की आजादी का जैसा तिहरा अपमान किया उसे बिहार शर्मसार है। सुशील मोदी ने कहा कि इस घटना का कलंक धोने के लिए भाजपा जल्द ही अनामिका अंबर के काव्य पाठ का आयोजन कर उन्हें सम्मानित करेगी। साथ ही साथ आपको बताया कि सुशील कुमार मोदी लिखते हैं कि तानाशाही के विरुद्ध लड़ने वाले जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार अब खुद तानाशाही पर उतर आए हैं। आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने जनकवि नागार्जुन को जेल में डाला था। उसी कांग्रेस से हाथ मिलाने वाले नीतीश लालू की सत्ता आज युवा कवित्री को मंच से उतार रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की मशहूर कवित्री अनामिका जैन अंबर को सोनपुर मेले में काव्य पाठ करने से रोका गया था और अब ये मामला जो है बिहार में सियासी तूल बनते नजर आ रहा है। सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जो है राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जैसी जो सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी उस कांग्रेस ने भी तानाशाही की थी और अब जो है कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर नीतीश और लालू भी तानाशाह बन चुके हैं। तो चलिए, इस खबर में इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।